मैं आपको इतने दिनों से कॉल कर रहा, फोन क्यों नहीं उठाई? भाई तुम्हें बोलना है, क्या बोलना है? मम्मी मुझे यहाँ पर मैं 3 महीने से अपना स्कूल का बस का फी नहीं भरना है, कॉलेज का और कैंटीन का, तो आप मुझे पैसे भेज दीजिए। और ये सारे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने टाल टाल के थक गया। अरे बेटा क्या बताऊँ तुझे, हम लोग अकेले रहे, तुझे कहाँ से पैसे भेजाऊँ? तू किसी छोटी मोटी को जॉब को कर लेना। अरे मम्मी ये मेरा लास्ट ईयर है, मैं इसके बाद ही जॉब करूँगा। देख अभी तो अपना खर्चा निकालने के लिए किसी दुकान वगैरह में जाके काम कर, यहाँ खुद हम लोग इतनी परेशानी में जी रहे हैं, मैं तुझे क्या बताऊँ? जब तू यहाँ होता तब तो क्या पता चलता। ये तू अपना देख, तुझे मम्मी मैं लास्ट ईयर कम्प्लीट करके ही जॉब करूँगा, आप पापा से बात कराइए ना। मैं इतनी परेशानी में हूँ, आप नहीं जानते। पापा भी जो ठीक ध्यान है सो रहे हैं बेटा, देख बार बार करके फोन करके परेशान मत किया कर। वो भाई को भी पढ़ाना है और पापा भी थके रहते हैं, इसलिए बार बार कॉल मत किया कर, कुछ उधर प्रबंध कर, समझ बात को, अब तो बड़ा हो गया है, समझा? मम्मी मम्मी आपने कहा था कि आप मेरे को बुलेट बाइक लाएंगे, पापा से कहा था ना आपने, आप मुझे बुलेट बाइक लाएंगे? मेरे दोस्त लोग अच्छी अच्छी गाड़ी में गाड़ी थे, मैं बस पुरानी गाड़ी में घूम रहा हूँ। हाँ मेरे हाँ मेरे मुझे याद है, तो इतना इतना चिंतित क्यों हो जाता है तेरी हर छोटी छोटी बात का, मैं ध्यान रखती हूँ तो क्या तेरी इतनी बड़ी बात से भूल जाऊँगी? चल अभी पापा से बात करते हैं। सुनिए आप मेरे बेटे के लिए जल्दी से जल्दी कैसा भी करके बुलेट बाइक के लिए आप प्रबंध कीजिए, उसकी गाड़ी पुरानी हो गई है, उसे शर्म लगता है, सब नई नई गाड़ी में घूमते हैं, आप इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो, बेटा पुरानी गाड़ी में जाएगा आपको अच्छा लगेगा? ठीक है तुम सही कह रही हो, मैं उसके लिए नया बाइक का प्रबंध करता हूँ, वो नहीं बहुत बहुत ऐसे उनसे गलत खबरें ना जाए करके हमको उसके लिए प्रबंध करना चाहिए कि वो नई गाड़ी को लेके खुश हो सके और धन्यवाद ले सके अपने माँ बाप का। सचमुच अगर हम बच्चों के जिद को पूरा नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए बच्चों को जिद को पूरा करना चाहिए। अरे हमें मदद नहीं लग रही है। अरे अरे तू इतना उदास क्या? हम लोग गोवा की रोड पे जा रहे हैं, चल चल। अरे भाई तुम मेरी तकलीफ को नहीं जानते, तेरा सारा खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन हम लोग वहाँ करेंगे क्या? वही जो सब जंगल करते हैं, परेशानी को नहीं जानती। मुझे बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है?
मुझे जन्म देने वाले मुझे भूल गए, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, अब मैं किसके लिए जीऊँ, मैं किसके लिए शराब छोड़ूँ? तुम यीशु के लिए शराब छोड़ो, क्योंकि वही हमारा जीवन देने वाला और परमेश्वर है। वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। उसने हमारे लिए अपने प्रिय बेटे को छोड़ दिया, अपने प्रिय बेटे को हमारे लिए बलिदान किया। तो क्या तुम ये शराब यीशु के लिए नहीं छोड़ सकते? उसने अपने सारे दर्द को हम पापियों के लिए, जिसमें कोई योग्यता भी नहीं है, हम तो दुष्ट लोग हैं, उसके लिए उन्होंने कोड़े खाए जबकि वो निर्दोष थे। क्या तुम इस शराब को यीशु के लिए नहीं छोड़ सकते? जन्माने वाले माँ बाप तो भूल सकते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आपने देखा कि हमारे जन्माने वाले माता पिता हमको निराश कर देते हैं, लेकिन कभी यीशु हमको निराश नहीं करते। सलीब पर की मृत्यु हमारे लिए एक जीवित आशा के रूप में है। उन्होंने अपना सब कुछ हमें दे दिया। इस संसार की सारी वस्तुएं वो हमें देंगे, लेकिन वो हमको नरक में जाने से बचाने के बाद जब हम उसके राज्य और घर की खोज करेंगे तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी।
प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार करें। यीशु जो संगीत में था।